हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे, क्या देर रात ये पर्सन आपको याद करेंगे भी या नहीं, किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर अपने आप को ये पर्सन आपको याद करेंगे, इस चीज़ को व्यूअर्स में इस में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे, हो सके तो उनका अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एनीवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्राइड इन अ केज, फॉरगेटिंग वन सेल्फ, रिवेंज, alone in the world, calling the storm. Guide कीजिए universe, please divine, please archangels, please holy angels, please spirit guide guide कीजिए और बताइए मेरे viewers के person की current energies, current state of mind, viewers को लेकर, viewers से जुड़े हुए connection को लेकर क्या बन रहा है। spirit guide divine मुझे guide कीजिए बताइए। obstructed, suffocating, happy, alone, warm, pleasant, enjoyable, secure, missing someone, longing, and meant to be together. तो व्यूअर, सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स आपको बताने जा रही हूँ, कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है, लेकिन जबरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से यहाँ पर नहीं करनी है। यहाँ पे आपका 21, 3, 17, 8, 23, 5, 6, 30 और 3। मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो गया मार्च, अगस्त, मई एंड जून मंथ, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर व्यूअर्स यहाँ पर देखना होगा। देखो, मुझे ना अब इनके हालात बिल्कुल भी नहीं सही नजर आ रहे। भले कुछ वक्त तक इन्होंने अपनी जिंदगी में उड़ान भरी हो, खुश रहे हो, अकेलेपन को इन्होंने एंजॉय करा हो, लेकिन अब ये पर्सन उस स्थिति में तो पहुंच गए हैं जहां पर ये अपने आप को, खुद को माफ भी नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहो तो जहां पर इस इंसान को वो पल यहाँ पर हद से ज्यादा याद आ रहे हैं, जिस पल में इन्हें आपसे सिक्योरिटी मिली, इन्हें आपके साथ एंजॉयबल मोमेंट मिले, ठीक है, वो पल या वो साथ इस इंसान को अब अपने हालातों को बिखरते हुए, तितर बितर होते हुए देखकर काफी ज्यादा याद आ रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी जगह पर, ये एक ऐसे पिंजरे में ये पर्सन बंद कर रह गए हैं जहां पर अब इनका दम घुटने लगा है, या इन्हें ऐसा फील होने लगा है कि इन्हें ना सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वहां पर पैसा है, स्टेबिलिटी है, अच्छे कपड़े हैं, ऐश और आराम है, लेकिन वहां पर दिल से अपने मन की बात नहीं रखी जा सकती, वहां पर अपने हिसाब से फैसले नहीं लेकर लिए जा सकते, वहां पर अपने आप से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये सभी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करके अब इस इंसान का व्यूअर्स यहाँ पर दम घुटने लगा है, तो वो मुझे इनकी सिचुएशंस बनती हुई दिख रही है, और उस चीज़ को लेकर ना ये पर्सन अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सभी चीज़ें शायद आपकी किसी बद्दुआ के चलते हुआ है, या कोई इनसे यहाँ पर रिवेंज ले रहा है,
इनके बुरे कर्मों का, इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, अगले जन्म के। ऐसा कब होता है? ऐसा तब अक्सर होता है जब हमारे हालात अच्छे नहीं होते ना, तो हम दूसरों के क्या, अपने क्या, आगे के क्या, पीछे के क्या, सब कर्मों को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो वही स्थिति मुझे अब इस इंसान की बनती हुई दिख रही है। अपनी ये झूठी दुनिया में ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले रह गए हैं, और उस अकेलेपन में अगर कोई इंसान इन्हें याद आ रहा है या याद आ रही है, तो वो हो सिर्फ और सिर्फ आप, जिसे ये पर्सन हद से ज्यादा यहाँ पर करंट में मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इस तूफान को कोई शांत कर सकता है, या ये इनका तूफान अगर शांत हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ से, आपसे मिले हुए रिश्ते से। तो ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पर एक चीज इस रीडिंग के बेस पर ये क्लियर कर रही है कि भाई आपके पार्टनर ने यहाँ पर एक वक्त पे फैसला लिया एक ऐसे पिंजरे को चुनने का जो सोने का था, जो बहुत खूबसूरत था, जो कहीं ना कहीं बहुत पैसों का आया था, जिसके बाद बहुत लग्जीरियस आइटम्स मिलने थे, गाड़ी, बंगला, घर, सब चीजें मिलनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुकून नहीं मिलना था, जिसे इस इंसान ने कैलकुलेट नहीं करा, जिसे इस इंसान ने ध्यान में नहीं रखा। तो ये सभी चीजें ना इस इंसान को काफी ज्यादा व्यूअर घुटन तो दे रही है यहाँ पर, ये मुझे एनर्जीज इनकी दिख रही है। ठीक है, चलो मैं अब आपको और चीजें टैरो से बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करके अब कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। तो बेसिकली इस इंसान की ये स्थिति बन रही है जहाँ पर ये अपने ही लिए हुए फैसले को पकड़े हुए तो हैं, अपने लिए हुए फैसले में ये पर्सन अपने आप को मर्ज करने की, उसमें अपने आप को ढालने की, उसमें अपने आप को बिजी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, या यूं कहो तो अपने आप को खुश रखने की, खुश करने की कोशिश भी करी जा रही है, लेकिन ये खुशी चंद पल की रह जाती है, चंद पल की होकर रह जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें वो घुटन फील होने लगती है, जो घुटन डेफिनेटली आप तक नहीं पहुंच पा रही, आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है, या वो पिंजरा, वो कैद, वो जेल इन आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको तो दूर से यही चीजें लग रही हैं, आप तो अपनी साइड से देख रहे हो भाई पैसा है, स्टेबिलिटी है, ऐश है, आराम है, और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन करंट में उसी पैसे को, उसी स्टेबिलिटी को, उन सब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन इनका देखना और आपके देखने में बहुत फर्क है। ये इसे एक पिंजरे के तौर पर, एक चक्रव्यूह के तौर पर, या एक स्टक एनर्जी के तौर पर इसको देख रहे हैं, जहां पर ये बंद गए हैं, स्टक होकर रह गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदले में कोई उम्मीद नहीं रख पा रहे, बदले में कोई उम्मीद नहीं कर पा रहे, वो इनका महसूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इन सभी चीज़ों में अपने आप को ढालने के लिए, लेकिन ओवरऑल इन्हें जितना ये नहीं ढाल पा रहे, जितना इन्हें घुटन हो रही है, उतना इन्हें अपने खुद के लिए हुए फैसले पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है करंट में, वो मुझे इनकी एनर्जी व्यूअर्स यहाँ दिखी है। हैप्पी अलोन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए हैप्पी अलोन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द फूल एंड द स्ट्रेंथ, एक्वेरियस एंड लियो, तो हो सकता है आप लोग ना इस तरह से कपल हो। यहाँ पर इनकी फीलिंग इवन आपको लेकर भी काफी क्लियरली व्यूअर्स मुझे बनती हुई दिख रही है, जैसे ये पर्सन ना हर एक उस मैसेज को, उस दस्तक को ये पर्सन देख रहे हैं, निहार रहे हैं, जो जिसकी चाहत इन्हें है,
जिसकी इच्छा इनके दिल में है, यानी कि ये पर्सन हर एक जैसे आवाज होती है तो इन्हें लगता है आप आए हो, आपका मैसेज आया है, आप इनकी तरफ बढ़े हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी राह तक रहे हैं ये पर्सन करंट में, इस अकेलेपन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में ना आपका वो दिया हुआ प्यार जिंदा है जो इन्हें आज भी याद है, जिसको ये आज भी भुला नहीं पा रहे, जिसको लेकर इवन ये पर्सन माफ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका प्यार ऐसा था एकदम मासूम बच्चे की तरह, बिना किसी चाहत के, बिना किसी टर्म्स और कंडीशन के। तो इनके साथ ये चीजें हो रही हैं कि ये अपने आप को जब अकेला करते हैं, अकेले में लेकर जाते हैं, अकेला पाते हैं, तो आपकी यादों से ये पर्सन अपने आप को जोड़ते हैं और वो यादें इस इंसान को अपने आप से, अपने आप को माफ नहीं करने दे रही, इवन अपने आप से जुड़े हुए उन पलों को भूलने नहीं दे रही हैं, उन्हें और ज्यादा जिंदा कर रही हैं जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान ने अकेले चलने की वजह से कहीं दफन कर दिया था, कहीं इन्होंने उन चीजों को गिरा दिया था, यानी कि मूव ऑन कर लिया था, किसी के झूठे ऑफर को इन्होंने स्वीकार लिया था। तो ये सभी चीजें अब इस इंसान के साथ हो रही हैं। आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना पड़ेगी, क्योंकि इन्हें इनका सबक खुद से यहाँ पर अच्छे तरीके से व्यूअर्स मिल रहा है। फॉर्म प्लेजेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टेन ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स, एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि 10-1-5, ये मुझे काफी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। देखो इतनी चीज यहाँ पर जरूर से है कि अब इस इंसान की ना लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, इस इंसान की जिंदगी में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशंस या चैलेंजेस भी चल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर काफी मन मुटाव, काफी ज्यादा एक दूसरे को लेकर जहर भी है। उसके अलग जिन लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ करते आए थे, बहुत कुछ कर भी रहे थे ना, ऐसे चांसेस बन रहे हैं उनको लेकर, इनका परसेप्शन ये बन रहा है कि वो एक और आस्तीन के सांप के तौर पर निकले, जिसे इन्होंने कहीं ना कहीं पाला, जिसकी परवाह करी, और जब ये कहीं ना कहीं अपने आप से वहां से निकलने की चाहत रख रहे हैं तो वही आस्तीन का सांप इन्हें काटने को दौड़ रहा है, इन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर ये चांसेस है कि अब ये पर्सन अगर निकलने की चाहत भी रखते हैं ना, तो इनके ऊपर उस चीज का आरोप लगा दिया जाता है कि भाई ये किसी के नहीं होके रह सकते, ये किसी के नहीं हो पाएंगे, या फिर जब बात जिम्मेदारी उठाने की आती है तो ये हमेशा भागते हैं। कल जब आपकी जिम्मेदारी उठाने का नंबर आया तो ये भागे, और आज यहाँ पर जब रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने का नंबर आया तो ये यहाँ से भागने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल इस इंसान को ये फीलिंग ज्यादा आ रही है कि ये उन लोगों के लिए करते आ रहे थे, कर रहे थे, जो पूरी तरह से इनके लिए जहर उगल रहे हैं, ठीक है। अब इस इंसान के साथ इवन ये चीजें भी हो रही है कि इन्होंने ना काफी वादे करे हैं आपसे, जैसे इन्होंने बहुत सारे वादे करे, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी बहुत सारे वादे करे, और अब इनके खुद के करे हुए वादे इन्हें स्ट्रेस दे रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए इन्हें किसी की मदद तो मिलना दूर, यहाँ पर उनको लेकर इन्हें जिम्मेदार ज्यादा ठहराया जा रहा है। उनको पूरा करते करते यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से थक गए हैं, और अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अभी उस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं ना कि थक गए कर करके, तो इन्हें बजाय उस चीज के लिए कोई सहारा देने के, इनका साथ देने के, यहाँ पर उन सभी चीजों का इन्हें शिकार बनाया जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि अब कुछ भी चीजें ठीक नहीं होंगी, वो चीजें इन्हें बेचैन करती जा रही है व्यूअर्स, और यही चीजें इस इंसान को ना अपने आप में सीमित करती जा रही हैं, अपनी सोच को यहाँ पर सीमित करती जा रही हैं, वो मुझे फीलिंग इनकी दिख रही है, ठीक है। किसी पॉइंट पर इनके दिल में इवन ये इच्छाएं भी जाग रही हैं कि ये लोग ऐसे हैं, भले आपने एक बार इन्हें बख्श दिया हो, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो इन्हें बख्शेंगे नहीं, ये इनसे डेफिनेटली अपना बदला जरूर से लेंगे, या फिर ये डेफिनेटली इन्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे। इनका ये हिसाब है, जिन लोगों में ये है ना, इनका ये हिसाब है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो बस ये तो
खत्म ही कर देंगे पूरी तरह से। वो मुझे स्थिति अब इनकी ज्यादा बनती हुई दिखी है। मिसिंग समवन लॉन्गिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। डेफिनेटली जब इस इंसान को अपनी जिंदगी में आग लगती हुई दिख रही है या इनके हालात कुछ इसे इन्हें बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये पर्सन आपको याद करके आपकी यादों में अपने इमोशंस डालने की, अपनी फीलिंग्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ के रिश्ते को जिंदा करने की इनके थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जा रही है करंट में। और उसके चलते यहाँ पर ये चांसेस हैं, या तो ये आपको चंद पलों के लिए ही सही ब्लॉक अगर इन्होंने कर रखा है तो ये आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करें, आपके फोटोज, डीपी, आपकी मेमोरी, जो अभी भी इनके पास कुछ भी हो है तो है ना, जिसे भले ये काफी लंबे समय से नहीं देख रहे थे उसे ये पर्सन देखें, उसको लेकर ये काफी ज्यादा पैशन अपने दिल में मौजूद होते हुए पाए, और उसके चलते ये पर्सन अपनी उस दुनिया को आग लगाने तक की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर रखें, जिस दुनिया को इन्होंने आपसे दूर जाकर बनाने की चाह रखी, या जिस दुनिया को इन्होंने आपसे दूर जाकर रखकर अपने आप को इवन बनाया भी व्यूअर्स, ठीक है। कॉलिंग द स्टॉर्म को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? टेन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें तो अब ये चीज़ें ज़्यादा रह रहकर परेशान कर रही हैं कि ये जो तूफान इनकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, इसको अट्रैक्ट करने वाले, इसको बुलाने वाले, इसमें खुद घुसने वाले, इसको बनाने वाले, ये सब चीज़ों के जिम्मेदार ये पर्सन अपने आप को मान रहे हैं। मतलब इन्हें ये लग रहा है कि शायद ये सभी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये मैंने खुद से मैनिफेस्ट कर लिया, खुद से अट्रैक्ट कर लिया, और इसी चीज़ का ये लेखा जोखा जो है वो हो रहा है, इसी चीज़ को ये पर्सन पूरा कर रहे हैं। वैसी फीलिंग इस इंसान को अपसेट और स्ट्रेस में लेकर जा रही है व्यूअर्स, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए, बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड, डे ड्रीमिंग, गॉसिप, अनफिनिश्ड बिजनेस, शेडो साइड एंड सेल्फ लव। तो आपके पार्टनर आपसे ना ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हैं और हमेशा अब आपके रहना चाहते हैं, और यही ख्वाब ये सिर्फ ना केवल सोती आंखों से, बंद आंखों से देख रहे हैं, ये ख्वाब ना अब ये खुली आंखों से भी देख रहे हैं और देखना भी चाहते हैं, यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ सपनों में नहीं, इसे रियलिटी में ये जीना चाहते हैं। अब पसंद नहीं आता कोई आपके बारे में कोई गलत बात करे तो, अब पसंद नहीं आता कोई आपके बारे में कोई अफवाह फैलाए तो, पहले कहीं ना कहीं उनमें अपने आप को खुद से शामिल करते थे लेकिन अब पसंद नहीं आ रहा ये सब चीज़ें। कहना चाह रहे हैं आपसे कि कहीं ना कहीं ना अगर उन थर्ड पार्टी का, उन लोगों का ये जो भी बिजनेस है वो ख़त्म नहीं हुआ तो बिजनेस जो है वो ये भी ख़त्म नहीं करेंगे, यानी कि ये भी यहाँ पर पूरी तरह से बदला लेंगे या ये भी यहाँ पर चीज़ों को अब रिजॉल्व करके ही निकलेंगे। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं कि इन सब चीज़ों ने इन्हें इनका डार्क साइड, इनका शेडो साइड, इनके गलत इंटेंशंस को डेफिनेटली समझा दिया, और ये समझा दिया कि गलत इरादे रखकर अगर तुम अपनी जिंदगी को आबाद करना चाहते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपसे कहना चाह रहे हैं अब अपने आप से इसीलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि इनसे आपको प्यार हुआ था, अपने आप को प्यार करके ऐसा फील होता है जैसे आप इन्हें प्यार कर रहे हो, आप फिर से इनकी जिंदगी में लौट आए हो। तो ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को हील करने की, संभालने की हद से ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ हालांकि इन सभी चीज़ों के चलते इस पर्सन की तरफ से आप किसी तरह के किसी एक्शंस की कोई उम्मीद रख सकते हैं या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन
व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का एक्शन खुद से लेंगे या नहीं, स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड बहुत स्पीड से आया एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, जी बिल्कुल लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस। इवन यहाँ पर इनका पैशन, इनका जुनून, इनकी सोच, इनकी डेस्टिनी क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है, इसी रीजन के चलते फॉर श्योर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, ये साइकिल फिर से आप दोनों की एक नए मोड़ पर आएगी, आपकी अधूरी कहानी यहाँ पर डेफिनेटली पूरी होगी। समय की अगर बात करी जाए तो 10 वीक्स की मुझे पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स। कुछ लोगों के केस में 1 मंथ के बाद का यहाँ पर योग बनेगा, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पर ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी, ऐसा डिवाइन या यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है व्यूअर्स। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर ग्रेटिट्यूड कमेंट नहीं करा तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग व्यूअर्स जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं लाइव सेशंस में रीडिंग लेकर आया करूँगी, तो अगर आप ये सभी चीज़ें चाहते हैं और इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर से ड्रॉप कीजिएगा। कॉल अलाउड नहीं है, इंक्वायरी के लिए मैसेज आप जो भी करेंगे उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दिया जाएगा। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय।